press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. शाहिद कपूर ने दीपिका पादुकोण की पर्सनालिटी पर साधा निशाना। शाहिद ने कहा कि एक एक्टर के लिए बेहद जरूरी है कि वो फिल्म के बाद अपने कैरेक्टर से बाहर आए, कैरेक्टर को भुलाकर आगे बढ़े। वेल, शाहिद का ये बयान आया आफ्टर दीपिका की इंटरव्यू ऑन रेडियो चैनल। दीपिका ने बताया था कि रानी पद्मावती का किरदार निभाने के बाद उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा कैरेक्टर से बाहर आने के लिए। इन टर्म्स ऑफ द इमोशनल एस्पेक्ट उन्हें रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। वही उसी रेडियो चैनल के इंटरव्यू पर शाहिद कपूर भी आए और उनसे भी पूछा कि किरदार से बाहर आने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। शाहिद ने दिया बड़ा ही कूल सा जवाब। उन्होंने कहा, देखिए अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं हैदर के बाद कोई फिल्म नहीं करता और उड़ता पंजाब के बाद आत्महत्या कर लेता। मेरे ख्याल से एक एक्टर को ये सीखना जरूरी है कि वो अपने आप को किरदार से डिस्कनेक्ट कर दे। मुश्किल या आसान की बात नहीं है, ये एक निजी मामला है। मेरे लिए किरदार में घुसना जरूरी था, एक बार घुस जाए तो निकल आएंगे। वेल, शाहिद की दी सलाह या कहे नसीहत वी होप दीपिका ने सुन ली होगी। पद्मावती में शाहिद कपूर एज महारावल रतन सिंह, दीपिका पादुकोण एज रानी पद्मावती और रणवीर सिंह एज अलाउद्दीन खिलजी नजर आएंगे, जिसके लिए बेधक इन्होंने काफी मेहनत की है। इसका रिजल्ट 1 दिसंबर पर आप देखोगे जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। क्या आप एक्साइटेड हो फिल्म के लिए?